जय बाबा की। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जो कि शनिवार को दीपक जलाने से क्या होता है। बहुत लोग हैं दीपक जलाते हैं, चिराकी लगाते हैं, जाने की धूप भी करते हैं, कुछ प्रसाद भी अन्य प्रकार के चढ़ाते हैं। कोई मैंने लड्डू चढ़ाते देखा है, नींबू चढ़ाते देखे हैं, लौंग तिल और कुछ लोहे की आइटम ये चढ़ाते हुए मैंने देखे हैं शनिवार को पीपल वृक्ष के पास रख के आते हैं। तो उसे चढ़ाने से क्या होता है आपको यह जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि पीपल वृक्ष के नीचे चिराकी क्यों लगाई जाती हैं, ऐसा क्या है वहाँ पर लगाने से। क्योंकि चिराकी घर पर भी तो लगाई जा सकती हैं, घर की ढेरी पर भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन पीपल के नीचे ही क्यों लगाते हैं, क्या फ़ायदे हैं उसके, चमत्कारी फ़ायदे हैं भाई आपको नहीं पता है। आप गलत तरीके से चिराकी लगाते हैं या सही तरीके से लगाते हैं, तो मैं आज आपके लिए सही तरीका सही टाइम चिराकी लगाने का बताता हूँ, तो आपको इनसे क्या आपको चमत्कारी फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा मिस ना करें दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है, इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों वीडियो पूरा देखना चाहिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं जाता है, मगर आपको हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपके जीवन में काम आने वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलते हैं आपको मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि आप हमारे पुराने वीडियो देखते हैं या पुराना एड्रेस देखते हैं, पुराने वीडियो के एड्रेस देखने से आप हमारे पास पुराना एड्रेस पे जो हम काम करते थे, वहाँ इलाज करते थे, हमने जो अपना स्थान बना रखा था जो कि हमारे गुरुजी थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं 27 जनवरी 2024 में। तो अब हमने वहाँ पर गुरुजी के स्थान को यानी ख़त्म होने के बाद हमने 7 महीने चलाया था। उसके बाद में जो कि बाबा के लड़के फड़के हैं वो वहाँ पर दारू वारू पी के आ जाते थे, तो इसलिए हमने वो स्थान छोड़ दिया है। और जो कि आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा चैनल के माध्यम से, आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त कीजिए और आने से पहले आप हमसे एक बार फ़ोन पर बात जरूर कीजिए और अपने एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे इस तरीके से फ़ोटो भेजिएगा, जो कि आने से पहले फ़ोटो भेजेंगे तो हम आपको बता देंगे आपको दिक्कत है या नहीं है, या आपका समय भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी यहाँ इधर उसे आने जाने की परेशानी भी बच जाएगी। तो हम आपको अपना पूरा एड्रेस भी बताते हैं दोस्तों। हमारा एड्रेस है यूपी शहर अलीगढ़ के जंक्शन से 3 किलोमीटर आगे सूत मिल चौराहा गोल चक्कर, वहाँ से खैर बाईपास जाता है। सूत मिल चौराहे से 200 मीटर की दूरी पर एक हनुमान मंदिर है, जो कि शिव मंदिर के बाहर हनुमान जी बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक हेड पंप लगा हुआ है, वहाँ पर आकर के आप फ़ोन कर लीजिएगा। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों ध्यान से आप सुनिए वीडियो को, देखिएगा, अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे वीडियो पूरा ही देखना चाहिए। आपके लिए चिराकी लगाने का समय पता होना चाहिए, चिराकी को किस समय लगाना चाहिए। कुछ लोग हैं कि रात को 8 बजे चिराकी लगाने आ रहे हैं, अंधेरा हो गया 6:30 बजे और रात को 8 बजे चिराकी लगाने आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कीजिएगा। सही समय आपको मैं बताता हूँ और चिराकी लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से चिराकी लगानी चाहिए और क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं आपको चिराकी लगाने के। अब मैं विधिपूर्वक बताने जा रहा हूँ, अच्छे से आप दोस्तों लिख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो को मिस ना करिएगा। अब अच्छी जानकारी आपको सुन कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आप सिंगल मिट्टी के बर्तन जो आते हैं, छोटे छोटे दीपट आते हैं, उनमें सरसों के तेल की चिराकी लगाइएगा। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की शनि क्रिया किसी बाबा ने बताई है या आपके घर में किसी प्रकार का संकट बताया है और घर में मतलब बीमारी घुसी हुई है पहले से और लगता है कि ये हमारी बीमारी यहाँ से ख़त्म नहीं होंगी और शनि ग्रह का प्रभाव काफ़ी भारी है, तो एक जने पर मुखिया पर जब शनि ग्रह का प्रभाव होता है तो पूरे घर को वो अच्छे से घेर लेता है, उस समस्या में दोस्तों यह चिराकी लगानी चाहिए। और किस तरीके से लगानी चाहिए मैं आपको बताता हूँ, चिराकी लगाने के और भी कई फायदे हैं, वह सब आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। जैसे कि आप चिराकी लगाने जाते हैं तो अंधेरा होने से पहले चिराकी लग जानी चाहिए। जब चिराकी लगाते हैं तो उसमें सरसों का तेल एक बाती और काले वाले तेल, उड़द की दाल, आपको एक रुपये का सिक्का डालें उसमें, या फिर चोबे होते लोहे का किनका जरूर डालिएगा थोड़ा सा। तो इस प्रकार से चिराकी आप लगाते हैं कंटिन्यूस,
कम से कम आपके लिए दोस्तों 21 शनिवार यह चिराकी लगा देते हैं तो आपका शनि का प्रभाव जो कि ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और आपको कारोबार में फ़ायदा मिलेगा, पैसा रुकेगा, जो बीमारी घर में लगी रही है वो भी शांत हो जाएगी धीरे धीरे। और नॉर्मल तरीके से लगाते हैं लोग को पता ही नहीं है भाई, वो आप लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, अपने घर पर भी लगाइए, घर के दरवाजे पर भी लगाते हैं, मैंने देखा कुछ लोग तो उनका अलग हिसाब है, घर पर चिराकी लगाते हैं उनका भी मैं बना दूंगा, लेकिन जिस पीपल ब्रज के नीचे ही चिराकी लगानी चाहिए जो शनि ग्रह का प्रभाव होता है। और जो शनि ग्रह का आप शांति चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन दोस्तों 2 बूंदी के लड्डू, आप 2 फल, 5 फूल और सिंदूर में लगा करके एक लौंका जोड़ा आप बाबा को भेंट करें। आप चोला लगा सकते हैं, चोले का नेम आपको मालूम है तो चोला लगाइएगा, नहीं इस प्रकार से प्रसाद तो आप चढ़ाइएगा। चोला किस तरीके से लगाया था हनुमान जी का मैं वो एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा जो कि किस तरीके से क्या नियम होते हैं चूल्हा लगाने के, तो आप जिस समझिएगा। तो आप शनिवार को चिराकी लगाने के बाद हनुमान मंदिर जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है पहले हफ्ते से ही, जो कि शनिवार को आपने चिराकी लगाई पीपल ब्रज के नीचे और मंगलवार को है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर आपने लड्डू का भोग दिया, 5 फूल भेंट किए, लौंग का जोड़ा दिया और आपने चिराकी लगाई वहाँ पर, बहुत जल्दी महावीर बजरंगबली आपकी कृपा सुनते हैं, आपकी परेशानी को सुनते हैं और आपको कृपा करते हैं, आशीर्वाद प्रदान होता है आपके लिए दोस्तों। तो यह शनि ग्रह की चाल बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और आपका जो कि परेशानियां हैं वो सॉल्व हो जाती है। अब नॉर्मल तरीके से बात आई जो कि भाई हम तो कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बताया, हम तो ऐसे ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही लगा देते हैं तो आपको कोई शनि ग्रह की चाल नहीं है, तो आप नॉर्मल तरीके से आप गंगा जल दे सकते हैं पीपल ब्रज में और नॉर्मल तरीके से चिरा के उसमें कुछ ना डालिएगा, दे सकते हैं, धूप लगा सकते हैं, फूल भेंट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम है, इससे कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं आप पर। शनि ग्रह की चाल है तो लगाएं, नहीं है तो लगाएं। और किसी किसी को मंगल भारी होता है तो उनके लिए भी एक पीपल ब्रज में जल देना और मछली को दाना देना, इसका तरीके से भी मैं आपको बनाऊंगा, मैंने बना रखे हैं वैसे तो, आप उन्हें भी देखिएगा दोस्तों। तो यह चिराकी लगाने का नियम फ़ायदा ये था आज का मेरा वीडियो आपको बताने का, कैसा लगा वीडियो, आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, आप जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखिएगा, मैं आप जो बताने जा रहा हूँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों 8126626349, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, एक बार हिंदी में बता देता हूँ आपको 8126626349, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ पर आने से पहले इलाज कराना चाहते हैं कराइए, कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क है, फ्री इलाज है। और आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अवश्य जाइएगा अभी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, और एंड स्क्रीन में वीडियो दे दूंगा मैं, वो भी देखिएगा। लेकिन पुराने वीडियो के जो दिखाए हैं हमने 1 साल पहले के, उस वीडियो में स्थान दिखाया गया उस स्थान पर ना जाइएगा आप, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।